अगला है उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम में हम कंठ से श्वास भरते हैं, स्नोरिंग साउंड खराटों की आवाज की तरह हम यहाँ से सांस को अंदर लेते हैं, उसे रोकते हैं और फिर वायु नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इसमें तीन प्रक्रिया होती है, पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब अंदर रोकना और रेचक मतलब श्वास को बाहर छोड़ देना, इनहेलिंग रिटेंशन एंड एक्सहेलिंग। पर ध्यान उन्हें रखना है जो हार्ट पेशेंट्स हैं और बीपी पेशेंट्स हैं, उनको बीच वाला चरण रिटेंशन वाला पार्ट का अभ्यास नहीं करना है, सिर्फ इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। टेक्निक को देखेंगे, पहले पूरे फेफड़ों को बाहर खाली कर दीजिए, श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। ये मेरी लंग्स कैपेसिटी थी कि मैं इतना अंदर खींच पाई, इतना उसे रोक पाई और फिर दूषित वायु को मैंने बाई नासिका से बाहर छोड़ दिया। इसके 3 से 5 राउंड्स आपको करने हैं, ये आपकी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा। फेफड़ों के हर कोने तक ऑक्सीजन पहुंचता है, उसे जब होल्ड करते हैं तो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द लंग्स तक ऑक्सीजन जाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी करता है और लंग कैपेसिटी इंप्रूव।